ब्रेकिंग न्यूज। तहसील पाट मुरादाबाद काट में भारतीय किसान यूनियन का किसानों की मांगों को लेकर चार दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन में गन्ना मूल्य को लेकर एवं भुगतान को लेकर कई दिन से लगातार चल रहा है और किसी भी उच्चाधिकारी ने अभी किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। प्रदर्शन करने वालों में तहसील अध्यक्ष जितेंद्र बिश्नोई, जीतू वरिष्ठ, उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह, प्रधान तहसील कोषाध्यक्ष राजीव कुमार पिंटू, नगर अध्यक्ष राजेंद्र बिश्नोई, संदीप कुमार, प्रिंस कुमार, शिव कुमार सिंह आदि किसान मौजूद रहे। आप कब से ये प्रारंभ किया है आपने धरना? ये 5 तारीख में हमने ज्ञापन दिया था जी, किसानों की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जी, और 15 तारीख से हमने धरना प्रारंभ किया है और आज धरने का चौथा दिन है जी। तो आपने किन किन मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मुद्दा सबसे पहले तो हमारा गन्ना भुगतान का है। हमारा गन्ना भुगतान जो मुरादाबाद जनपद का है, मुरादाबाद जनपद में जितनी भी चीनी मिले हैं उसमें सरकार समिति से जो चीनी मिले आती हैं, त्रिवेणी, अगवानपुर और शोहारा, त्रिवेणी और अगवानपुर का पेमेंट किसानों के खातों में सीधा जाता है और शोहारा से जो किसान जुड़े हुए हैं गन्ना समिति कार्ड के, उनका पेमेंट पहले समिति में जाता है और फिर किसानों के खातों में आता है। तो ये हमारी पेमेंट सीधा कराने की मांग है। बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं, कल हमारी वार्ता भी हुई थी, संबंधित विभाग के अधिकारी आए थे, कुछ बिंदुओं पर हमारी सहमति भी बनी है, लेकिन अभी हमारी जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया है। क्या आपसे कोई अधिकारी आकर के मिले, कोई आश्वासन वगैरह दिया? जी, कल सभी विभागों के अधिकारी आए थे, जिनसे जो संबंधित विभाग थे हमारे समस्याओं से, और उसमें जो कार्ड की समस्याएं थी उसमें हमें जो है लेटर मिल गया है, और एक हमारी मांग यहाँ है कृषि विभाग का दफ्तर और मृदा परीक्षण केंद्र खुलवाने की। उसके लिए जो जिला कृषि अधिकारी ने अग्रिम कार्रवाई की है उसका लेटर हमें रात प्राप्त हुआ है। अभी गन्ना भुगतान पर हमारी सहमति नहीं बनी है, और एक मुद्दा हमारा बिजली का है। बिजली में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भी जिन पर कुछ मसलों पर सहमति बन गई है, कुछ अभी हमारे अधूरे हैं। तो आज फिर दोपहर वार्ता करने की बात की गई है प्रशासन द्वारा, आज फिर दोपहर बात करेंगे। अगर सहमति नहीं बनती है तो आपका धरना कब तक जारी रहेगा? अगर सहमति नहीं बनती है तो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, और सबसे पहले आज हम शाम के समय अपनी कार्यकारिणी से विचार विमर्श करके जिले की पूरी पंचायत बुलाने का काम यहाँ करेंगे।